सो गाइज, मिरर बुक से आपका आज पहुंच चुके हैं हम लोग सेट नंबर 80 पर, जो कि ये भी वही है आपका BSRB हैदराबाद बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1997 में एग्ज़ाम में आया हुआ, बहुत शानदार और बहुत इम्पोर्टेंट भी है गाइज। तो ज़रा देखिए गाइज, यहाँ पे महेश हु वॉज जूनियर इन मोस्ट अदर एम्प्लॉयज इन हिज ऑफिस हैज़ बीन प्रमोटेड। सो गाइज, यहाँ पे इस्तेमाल करना है आपको, बताना है कि किस पार्ट में है गलती। अगर आप लोग बात करें महेश की, तो महेश के लिए उसने हु का इस्तेमाल करा और हु के बाद आपकी वर्ब आई महेश के हिसाब से, हालांकि है ये इसी की ही। महेश हु वॉज जूनियर, उसके बाद उसने लगाया जूनियर के साथ में इन का इस्तेमाल, जो कि आपका नहीं आना चाहिए था गाइस। मैं आपको ऐसा एक बार नहीं, ऐसा कई बार बता चुका हूँ गाइस, कि जब भी किसी वर्ड के आखिरी में IOR हो, क्या हो IOR, जैसे कि मैंने कहा आपसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, और साथ में आपके दो वर्ड और आते हैं एल्डर और प्रेफर, इनके साथ में हमेशा हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, अन्य किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, ना ही देन का। इनके साथ में आपका आएगा टू, तो यहाँ पे बी पार्ट में जूनियर टू आपका होना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया है, यानी कि सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। अगला सेंटेंस देखिएगा, कह रहा है कि दे हैव इन्वाइटेड रमेश एंड आई टू द फंक्शन टू बी हैड इन दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो गाइस, यहाँ पे दे के साथ उसने लगाया हैव, जो कि ठीक है, प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल वर्ब, हैज के साथ आया करते थर्ड फॉर्म, वो भी उसने सही लगाई, इनवाइटेड, इनवाइट के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन टू आया करता है। सी पार्ट में उसने वो भी लगाया टू द फंक्शन, जो कि ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ पे एक कमी उसने कर दी, वो कर दी क्या कि इनवाइटेड, जो कि एक वर्ब है, क्या आपके एक वर्ब, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, ऐसा मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाया था, जबकि नाम पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, नाम तो सब्जेक्टिव केस में भी नाम रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस में भी नाम ही रहेगा, लेकिन जो उसने आई लगाया उस आई को आपको मी करना था। तो गाइज आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि प्रोनाउन नाम के लेक्चर में मैंने आपको साफ पढ़ाया था कि वर्ब के बाद में, प्रपोजिशन के बाद में और लेट के बाद में हमेशा 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 ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, किसी और वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करते हैं गाइस। यस गाइस, वर्ब, प्रपोजिशन और लेट के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है, सब्जेक्ट इनके बाद कभी भी नहीं आया करता है, ऐसा मैंने आपको पहले भी कई बार कई वीडियोज में बताया होगा, आज भी ये बात मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, बार बार लिखते रहिएगा। एग्ज़ाम अब आपका ज़्यादा दूर नहीं रहा है, बहुत नज़दीक है आपका एग्ज़ाम, उसी की तैयारी को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको यहाँ पे ये बुक लगभग फिनिश कराने जा रहा हूँ। सो गाइस, अपना पूर्ण सहयोग दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको लगातार इतना अच्छे से अच्छा दे सकूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट टेस्ट में गाइस, यहाँ पे आपके सपोर्ट में आजकल देख रहा हूँ कमी आ रही है, आप लोग बोलते हैं गाइस के MB का बुक आप सोल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड कीजिए। जब मैं MB का बुक यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर उसको देखने वाले भी नहीं हैं। कल भी मैंने MB के दो पार्ट आपके अपलोड किए मेंस के पेपर से, और आप लोगों ने उसको देखना तक जरूरी नहीं समझा। इसके दो ही मतलब है गाइस, या तो आपको पेड कोर्स लेने की आदत पड़ चुकी है, या फिर आपको MB बुक देखनी ही नहीं है। यस गाइस, आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर मुझे मजबूरन MB बुक वहाँ से ख़त्म करनी होती है। देखिए, मैं आपसे बार बार इसी बात की रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ आप लोग देख लीजिया करें, एक हौसला बढ़ता है कि हाँ, आपके द्वारा किए गए कार्य को सराहा जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो अगली वीडियो बनाने का आपके अंदर हौसला आता है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर मजबूरन हमें नहीं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन सभी को पेड कोर्स करने पड़ रहे हैं मजबूरन, वरना तो सब बच्चे चाहते हैं, सभी टीचर चाहते हैं कि उनके बच्चों को हर चीज़ फ्री में मिल सके। लेकिन आगे गाइस आपकी मर्जी, हम लोग तो डालते रहेंगे, आज भी अपलोड करेंगे। सेलिंग मैच बॉक्सेस ऑन द रोड इज़ द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। सेलिंग मैच बॉक्सेस ऑन द रोड, यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत आपके हुई है सेलिंग से। अक्सर लोग यहाँ पे मैच बॉक्सेस यानी कि माचिस की डिब्बियों को देख करके प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन गाइस मैंने आपको बताया है कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत होगी जीरंड से, किससे,
जिरंड से, चाहे उसके बाद में कुछ ही हो, चाहे कितने ही जिरंड एक साथ जुड़ी हो एंड से, चाहे कुछ भी करे, आपको सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर ही वर्ब लगानी है जो उसने लगाई भी है। सेलिंग मैच बॉक्सेस ऑन द रोड इज़ द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग्स। मीन्स ऑफ अर्निंग्स मतलब कमाई का जरिया है। इन रिस्पेक्ट ऑफ गए यहाँ पे इन रिस्पेक्ट ऑफ की जगह पूरा हटेगा, आपको इस्तेमाल करना होगा एज रिगार्ड्स। यस गाइस, या फिर आप इस पूरे को हटा दीजिए, आप सारी ऑफ लगा दीजिए, तब भी आपको काम चल जाएगा। क्या लगा दीजिए? ऑफ, बस। मीन्स ऑफ अर्निंग ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल, बस। मैं तो कहूँगा कि आप ऑफ ही लगाइए, ज़्यादा कुछ मत सोचिए दिमाग में अपने। सो गाइस, इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी एरर। वी इंसिस्टेड बट नेदर मैनी और हिज ब्रदर। गाइस, यहाँ अगर सेंटेंस को गौर करें, वी इंसिस्टेड, उसने लगाया, उसके बाद में बट नाइदर के साथ में उसने और का इस्तेमाल कर दिया जो कि नहीं होगा। गाइस, नाइदर और का कोई पेयर है ही नहीं। नाइदर का पेयर नोर के साथ में है और आइदर का पेयर और के साथ में है, तो यहाँ पे आपको नाइदर के साथ में नोर का इस्तेमाल करना था, तो यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी एरर। नाइदर मोनी नोर हिज ब्रदर इज रेडी टू वर्क ऑन अ हॉलीडे। वट शुड वी डू इज अ मैटर ऑफ अवर ओन चॉइस एंड डिजायर। सेंटेंस नंबर फिफ्थ, वट शुड वी डू। गाइज, अब मैंने आपको बताया है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत आप डब्ल्यू फैमिली से करें और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें, फिर सब्जेक्ट लगाएं, तो इसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है गाइज इसको? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। आखिरी में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ आखिरी में है फुल स्टॉप। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा डब्ल्यू फैमिली प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोज स्ट्रक्चर। क्या कहा जाता है? क्लोज स्ट्रक्चर। तो आपको सेंटेंस को क्लोज रखना होगा, नॉट इंट्रोगेटिव। तो वट शुड वी डू की जगह वट वी शुड डू करना होगा, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके यहाँ फिलहाल एरर। सेंटेंस नंबर सिक्स, यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अनलेस यू डू नॉट गिव अप प्रायर नोटिस। कैन नॉट के साथ उसने फर्स्ट फॉर्म लगाया विदड्रॉ, जो कि ठीक है। साथ ही साथ गाइस एक बात का और ध्यान रखना कि कैन नॉट को हमेशा इकट्ठा लिखते हैं, इसे कभी भी अलग अलग नहीं लिखा जाता है। ये भी उसने सही करा, यानी कि इस पार्ट में भी नहीं है कोई गलती। उसके बाद में सी पार्ट में उसने अनलेस के साथ में डू नॉट का इस्तेमाल किया है, जो कि आपका रॉन्ग है गाइस। अनलेस, अनटिल, हार्डली, ये जितने वर्ड हैं आपके, ये आपके पहले से ही नेगेटिव हैं, और इन नेगेटिव शब्दों के साथ में आप अन्य नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए आपको यहाँ से डू नॉट हटाना होगा। सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। आगे बढ़िए गाइस, यहाँ पे सेंटेंस नंबर आपका सेवन वही है, इसका मतलब कह रहा है कि फ्रॉम द लास्ट वन मंथ ईच ऑफ अस हैज बीन वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। पिछले लास्ट वन मंथ से हम में से प्रत्येक सेम प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। गाइस, यहाँ पे समय के साथ में, टाइम के साथ में हम लोग सिंस या फोर का इस्तेमाल क्या करते हैं? सिंस या फोर का इस्तेमाल किया जाता है, तो फॉर द लास्ट मंथ। गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फ्रॉम नहीं आ सकता, फ्रॉम भी आ सकता है, लेकिन आगे सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूस बन रहा है, हैज़ बीन प्लस आईएनजी, तो आपको अब यहाँ पे सिंस या फोर प्लस टाइम के अलावा कुछ और लगाना भी नहीं है। सेंटेंस के सेवन, सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। फ्रॉम द लास्ट वन मंथ नहीं, फॉर द लास्ट वन मंथ होगा, यानी कि सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई आपके एरर। आगे बढ़े गाइस, सेंटेंस नंबर एट देखिएगा। कह रहा है कि व्हेन वी रीच देयर वी सॉ अ क्राउड ऑफ अबाउट 10 पीपल फाइटिंग बिटवीन देमसेल्व्स। ये बहुत ऊंचा सेंटेंस है गाइस। व्हेन वी रीच्ड यहां पे आपकी सेकंड फॉर्म है। वी सो आपकी सेकंड फॉर्म है। अ क्राउड ऑफ अबाउट 10 पीपल, 10 लोगों की बात हो रही है, 10 लोगों के लिए आप लोग बिटवीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको यहां पे लगाना होगा अमंग।
क्या लगाना होगा, अमंग, तो सेंटेंस आपका करेक्ट होगा, यानी कि सेंटेंस के डी पार्ट में हो गई आपके एरर। द किंग अलोंग विद, गाइज द किंग आपका सब्जेक्ट है, सेंटेंस कनेक्ट हुआ आपका अलोंग विद से, किससे, अलोंग विद से, विद से, टुगेदर विद से, गाइज जब सेंटेंस आपका इस तरह से कनेक्टेड हो, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, जब सेंटेंस इनसे कनेक्टेड होगा तो वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। द किंग के हिसाब से यहाँ पे वर्ब नहीं, आपको द किंग के हिसाब से यहाँ पे वोज लगाना था। सो गाइज यहाँ पे सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है एरर। दे आस्क मी, दे आस्क मी हु आई हैव नोट टेकन देयर परमिशन बिफोर लिविंग। सो गाइज यहाँ पे आपको हु दिया गया है रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट का काम करता है, इसके पास इसकी खुद की वर्ब होनी चाहिए। आप सेंटेंस में सबसे पहले देखें कि क्या इसके पास इसकी अपनी वर्ब है। दे को साथ आस करे उसे वो लेके उड़ गया, आई के साथ हैव नॉट बीन टेकन है इसे ये लेके उड़ गया, उसके अलावा सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है, आपके यहाँ पे हु वाले पार्ट में ही हो जाएगी मिस्टेक, इस बात का ध्यान रखें। दूसरी बात गाइस, हु अगर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन काम कर रहा हो तो इससे पहले कोई नाउन भी होना जरूरी है या प्रोनाउन होना जरूरी है, वो भी सब्जेक्टिव केस में। इससे पहले प्रोनाउन भले ही है लेकिन वो सब्जेक्टिव केस में नहीं है, वह सेंटेंस आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा ही नहीं, क्योंकि ये सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन के पूरे नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन का आना कंपलसरी है तो ही रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा। यहाँ पे आप हु की जगह वाई का इस्तेमाल करेंगे, वाई आई हैड, यानी कि सेंटेंस के फिलहाल बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। सो गाइज ये था आपका आज का सेट, सेट नंबर 80 BSRB हैदराबाद बैंक क्लर्क एग्ज़ाम 1997 में आया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।